से स्वागत करूंगी अदिति का, हमारी अहिल्या बाई का। देखो हमारा प्यार कितना ज्यादा है कि मैं फिर वापस आ गई अदिति। नाइस टू मीट यू अगेन। ओके सो अदिति, हम फिर से आपसे सवाल करेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि 11 साल की अदिति कहाँ की रहने वाली है, कौन से क्लास में पढ़ती है, और ऑडिशन में सिलेक्शन कैसे हुआ, कितने राउंड ऑडिशंस दिए? मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। और जब मैंने ऑडिशन दिया, सो दैट टाइम स्क्रिप्ट में एक्चुअली अहिल्या बाई ये नाम नहीं लिखा था। सो आई वॉज नॉट नोइंग दैट ये अहिल्या जी के लिए है, तो मुझे पता ही नहीं था। और जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ऐसी मतलब ऑडिशन हुई मेरी कि मैंने ऐसा नॉर्मली दे दी, और फिर जब मुझे पता चला दैट आई एम सिलेक्टेड, सो आई वाज आई कांट टेल यू इन वर्ड्स दैट मुझे बहुत अच्छा फील। ओके सो जनवरी के महीने में ये शो स्टार्ट हुआ है, एक महीना होने को है शो को स्टार्ट हुए। आप छुट्टियों के बारे में बताओ, कितनी मेहनत करनी होती है, पढ़ाई कैसे मैनेज करती हो? छुट्टियां मतलब बहुत कम मिलती है, जब हमारे एपिसोड्स की अच्छे से बैंक हो जाती है तो फिर वो हमें छुट्टियां देते हैं। सो छुट्टियों में भी मैं घर पे पढ़ाई करती हूँ, और वहां पे सेट पे जब भी मुझे एक दो सीन की गैप होती है तब मैं सेट पे पढ़ाई कर रही हूँ। सो वो सब मैनेज हो जाता है। और अभी फिलहाल तो ऑनलाइन क्लासेस है, सो जिस ऐप पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है सो उस ऐप पे मिल जाता है कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया और आज क्या हुआ क्लास में, आज कौन क्या सिखाया, कौन सा लेसन सिखाया। ओके सो फिर वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। जैसा कि आपको टीवी पर आपके फ्रेंड्स एक महीने से देख रहे हैं, तो वो आपको अदिति बुलाते हैं या अब अहिल्या कहने लगे हैं? वो मुझे ये कहते हैं कि अदिति अब तू अदिति से ज्यादा अहिल्या ही लगने लगी है हमें। सो वो मुझे बोलते हैं, कभी कभी वो मुझे फोन पे उनसे बात करती हूँ तो फिर वो मुझे अहिल्या ही बुलाते। ओके ओके अहिल्या, सो मूविंग ऑन, जैसा कि एक्टिंग, पढ़ाई के अलावा किन चीजों में इंटरेस्ट है अदिति का? मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, मुझे स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है, मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, और मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब अलग अलग जगह जाना, अलग अलग मुझे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, हिस्ट्री पढ़ना कि उनके बारे में एक्सप्लोर करना, जो हिस्टोरिकल हीरोज है हमारे, सो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीडिंग करना अच्छा लगता है। घूमना फिरना अच्छा लगता है अदिति को? बहुत अच्छा लगता है मुझे ट्रैवलिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी प्लान मतलब बनाओ हमारे झारखंड आओ, सिटी ऑफ फॉल्स, सिटी ऑफ माउंटेन्स, यू लव इट। या I would love to come. Okay, so because I have planned that मेरा north घूम के हो गया, मेरा south घूम के हो गया, मैं तो west side रहती हूँ महाराष्ट्र में, so मेरा west side घूम के हो गया। Now I wanna come at east side. I wanna travel at east side. बिल्कुल, तुम हमारी झारखंड आओ, तुम्हें धुसका, बर्रा, जो हमारे लोकल डिशेस हैं उसका मजा चखाएंगे, और तुम बस आरजे दीपा को याद करना, तुम्हें झारखंड घुमाएंगे। ओके सो आदिति, तुम्हारा तुम्हारा एक इंट्रो वीडियो मुझे चाहिए जहां पर तुम कह रही हो हेलो। एक्सक्यूज मी, या हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है ना? Now you're audible. Yeah. हाँ. So I need your intro video where तुम कह रही हो कि हेलो झारखंड, मैं हूँ अदिति, आपकी अहिल्या, और आप मुझे सुन रहे हैं आरजे दीपा के साथ। Okay. हेलो झारखंड, मैं हूँ अदिति, मतलब आपकी अहिल्या, और आप मुझे सुन रहे हैं झारखंड रेडियो सिटी आरजे दीपा के साथ। बहुत बढ़िया, सो वी आर डन विद आवर रिकॉर्डिंग।